मेरा नाम अंशुला है। मैं 9th B की छात्रा हूँ। हमारा स्कूल कोड है 1309265। मैं आज आपको बताऊंगी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी। हमने कई जगह देखा होगा या फिर सुन देखा भी होगा और करा भी होगा कि हम अपने घरों से दूषित जल देखते हैं, हम दूषित जल देखते हैं और वह जल हम उपयोग में ला देते हैं। दूषित जल उपयोग में लाने से हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और मानव जीव जंतु इन सब के लिए दूषित जल काफ़ी हानिकारक है। जैसा कि हम जानते हैं कि दूषित जल अनेक प्रकार से दूषित होता है और वह दूषित होता है इसी को बचाने के लिए कि दूषित जल को बचाने के लिए दूषित को हटाने के लिए और शुद्ध जल को बनाने के लिए हमने यह प्रोजेक्ट बनाया है ताकि आप सबको पता चले कि इस घर में से दूषित जल कैसे आ रहा है और हमने उसे उसकी सफाई करके उसे शुद्ध करके इस प्लांट में डाला है जिससे यह प्लांट और भी अच्छा हो जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं कि हमने इसे कैसे अच्छे से बनाया है। आप जैसे कि ये घर देख रहे हैं, इस घर में दूषित जल निकल रहा है जो कि इसे हमने तीन तीन चरणों में विभाजित किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दूषित जल है और यह सीवेज ट्रीटमेंट में पहुंच रहा है और यह इसके अपने सेंटर पे आ गया है जिससे इसे आगे जाना है। और आगे जाने पर हमने देखा कि यहाँ पर है यह फिजिकल ट्रीटमेंट पे हम पहुँचे हैं और यहाँ पर मिट्टी के बाहरी कण, घुलनशील पदार्थ और मोटे पत्थर, ईंट के पत्थर, सैलिड एगोनिक बेस्ट को सेडिमेशन की प्रक्रिया द्वारा हमने इसे अलग कर लिया है। जो कण ऊपर आ गए हैं उसे हम फ्लुएंट हम नाम देते हैं। अब इसे सेकेंडरी टैंक में भेजा जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पर सूक्ष्म बायोलॉजी यानी कि खाद्य यानी कि जैविक खाद्य करते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें पानी यानी कि जल काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाता है और इसे हम फिर खेतों में या नदियों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यह इस प्रक्रिया द्वारा एकदम अच्छे से साफ हो जाता है और फिर हम केमिकल